सचिव नमस्कार। आपने प्रायः देखा होगा कि आपके अंदर किसी न किसी जानने वाले को या परिवार के अंदर लाल रंग के रैशेस बॉडी की एक साइड पे, फेस पे या चेस्ट पे या पेट पर होते हुए, जो बड़े पेनफुल होते हैं और होते हैं एक ही सेगमेंट के अंदर, और इसको बोलते हैं हर्पीस जोस्टर। हर्पीस जोस्टर जो है ये बड़ी कॉमन बीमारी है, और इसके लिए समझिए कि ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, और इसका ओरिजिन बेसिकली चिकन पॉक्स के वायरस से होता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे बाद में कि ये क्या सिस्टम है इसके अंदर, इसका जेनेसिस कैसे होता है। तो ये जो रैशेस होते हैं ये पेनफुल होते हैं, बर्निंग करते हैं, इसके अंदर पहले दाने दाने होते हैं, उसके ऊपर से उसमें पानी भर जाता है, पानी फट जाता है, जब उसके बाद उसके ऊपर जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, ब्लिस्टर के साथ साथ वो जब सूखते हैं तो उसके ऊपर से स्कैब गिर जाती है। और यूजुअली ये 50-60 साल से ज़्यादा लोगों उम्र के लोगों को होते हैं, और ये बात पक्की है कि केवल एक साइड पे होंगे। एक साइड का मतलब वो जो नर्व को सप्लाई है टिश्यू, जो जो आपका वायरस फंसा हुआ है वो उसी इलाके में मार करता है, दूसरी साइड पे नहीं करेगा, और ना ही करेगा ऊपर ना ही करेगा नीचे। तो इसकी सेंसिटिविटी टू टच भी हो जाते हैं, हाथ लगाओ तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और कुछ लोगों को इससे बुखार, हेडेक आदि भी होने की संभावना बनी रहती है। पेन सबसे पहले आता है इसके अंदर, जब भी आपको कई बार तो दाने नहीं होते उसके बावजूद पेन शुरू हो जाता है, तो लोग जो है कई बार उसके ऊपर बाम लगा दिया, कोई जेल लगा दिया, कोई लोशन लगा दिया पेन को कम करने के लिए, लेकिन दूसरे तीसरे दिन उस व्यक्ति के दाने शुरू हो जाते हैं। फिर वो दाने से व्यक्ति समझता है कि जैसे कि उसके अंदर किसी आपने इस जो पेन किलिंग कोई जेल लगाई, जेली लगाई और उसका साइड इफेक्ट हुआ या उसको रगड़ा गया, लेकिन सच में ये जो रैश है ये हर्पीस का रैश होता है। इसलिए व्यक्ति डॉक्टर के पास आने में लेट हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो सिंपल सी बात है, दर्द हुई है, फिर दाने हुए, दानों के बाद जब अनबियरेबल पेन होती है तब वो डॉक्टर के पास भागता है। इसी प्रकार से जो इसकी बाकी जो दूसरी कंपनी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो जब ये आंख के अंदर होता है, आंख वाली नर्व को कनेक्ट करता है, तो परमानेंट आई डैमेज तक हो सकता है, क्योंकि ये दाने जब कॉर्निया के ऊपर होते हैं तो वो उसके ऊपर और उसके अंदर की जो जो आईज हैं उसके ऊपर एक ऐसा परमानेंट डैमेज कर देते हैं कि आपको दिखाई देना भी उस आंख से कम हो सकता है। कान के एरिया में हो तो कान के एरिया में डिजीनेस हो सकती है, बहुत सीवियर पेन हो सकती है, और सुनने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, और कई बार इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो ये जो इसके सिम्टम्स हैं, इसका ओरिजिन कैसे है ये समझिए आप, कि जिन लोगों को पहले कभी ना कभी चिकन पॉक्स हो चुका हो, ये एक कंडीशन है, प्री कंडीशन है, जिन लोगों को पहले चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो चुका हो, उसके बाद उसकी लोअर्ड इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी जैसे उसकी लोअर होती है, उन केसेस के अंदर इसके इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप मान लीजिए कि 50 से 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों को होगी। दूसरा ये कि जिनकी इम्यूनिटी लो हुई हो, जैसे जिनको कैंसर की दवाई चल चुकी हो, जिनको शुगर हो, किडनी की बीमारी हो, HIV एड्स की बीमारी हो, या जो इम्यूनिटी के लिए दवाइयां खा रहे हो, यानी कि या जिनका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा हो, ट्रांसप्लांट रिजेक्ट ना हो, उसके लिए जो रिजेक्शन को रोकने के लिए दवाइयां खा रहे हो, उन लोगों के अंदर भी इसके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसका अगला पॉइंट, जैसे मैंने पहले कहा कि ये चिकन पॉक्स हो चुका होगा उन्हीं लोगों को होगा,
कुछ लोगों को जिनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी चल रही होती है उन लोगों को भी इसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ दवाइयां हैं जो जैसे स्टेरॉइड्स हैं, कई लोग स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, उन लोगों को भी इसके चांसेस होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आप समझिए कि चिकन पॉक्स के बाद कैसे होता है, मैं आपको बता दूँ। ये कहीं ना कहीं चिकन पॉक्स आपने देखा होगा, किसी बच्चे को हुआ, दवाई नहीं ली, क्योंकि हमारे देश के अंदर कहते हैं कि ये माता है, इसको दवाई की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, चिकन पॉक्स के दाने भी ठीक होते हैं, इन्फेक्शन भी ठीक होता है, परेशानी भी ठीक होती है। लेकिन अगर चिकन पॉक्स का प्रॉपर एंटीवायरल ट्रीटमेंट उस वक्त नहीं दिया गया तो ये डॉर्मेंट रूप में किसी ना किसी नर्व के अंदर पड़ा रहता ये वायरस, और जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तब ये आपको उस पर अटैक करता है। अब इसके इलाज की बात करें, क्योंकि यूजुअली इंडिया में लोग आते लेट हैं, अस्पताल तक लेट हो जाते हैं, आते आते डॉक्टर के पास लेट आते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर मेडिकेशन है, दवाई है, जोस्टर वैक्सीन अवेलेबल है और उसको वैक्सीन को लगवाया जा सकता है। जब दाने हो जाएं उसके बाद अगर आप उसको टच कर रहे हो कोई दवाई लगाने के लिए, एंटीवायरल आपको ऑइंटमेंट लगानी है, तो उससे पहले और उसके बाद में हाथ को धोएं जरूर और उसको कवर्ड रखें, टच ना करें, स्क्रैच ना करें। और उसके साथ साथ इसके अंदर जो एंटीवायरल दवाई दी जाती है वो 7 से 10 दिन का कोर्स रहता है। जितनी जल्दी दवाई शुरू होगी उतनी इसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होगी। जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस की बात है, इसके अंदर मैंने हमने आपसे बात की, आईज़ के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ईयर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अंदर आपके बाकी जो जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन हुआ है, जिस भी नर्व के एरिया में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो वो हर्पेटिक न्यूरेल्जिया बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। इतना पेनफुल कई बार हो जाता है कि व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं हो सकता, और उसमें उसको इंजेक्शन जो होते हैं वो नर्व जहाँ से शुरू होती है कॉर्ड के आसपास उसमें इंजेक्शन तक लगाए जाते हैं ताकि ये पेन जो है अनबियरेबल ना हो। तो ये एक बीमारी मान लिया कि जान नहीं लेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि इतनी तकलीफ दे सकती है, आपको दर्द कर सकती है, और ये भी है कि ये रिपीट भी हो सकती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर। तो हम सबको इसका ज्ञान भी होना चाहिए, इसकी प्रिकॉशन भी लेनी चाहिए, इसका प्रिवेंशन के जो सिस्टम्स हैं उनको भी अपनाना चाहिए, और जैसे ही आपको कहीं पर भी कोई दर्द हो तो अपने डॉक्टर के पास जाकर उसकी जाँच कराएँ, और पहला दाना होते ही डॉक्टर के पास जाके उसकी दवाई शुरू कर दें ताकि आपको बाद में कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया इसको शेयर करें ताकि आप बाकी लोगों को भी ये ज्ञान बांट सकें। धन्यवाद, नमस्कार।